17वीं शताब्दी के प्रारंभ में विजयनगर का पतन हुआ। ये राष्ट्र युद्ध के बाद छोटे छोटे राज्यों व हिस्सों में बट गया। किन्नल के चित्रकार समाज के पूर्वज हम्पी के मंदिरों में लकड़ियों व पत्थरों पर नक्काशी किया करते थे, जो कि उनकी सुंदर व जटिल हस्तकला का जीवंत उदाहरण व किन्नल शिल्प का उद्भव है। शाही सहायता नहीं मिलने के फलस्वरूप चित्रकार समाज हम्पी से किन्नल व आसपास के अन्य गांवों में स्थानांतरित हो गया। यह गांव विजयनगर के शासकों द्वारा जागीर के रूप में उन्हें दिए गए थे। इन्हें यहां कोपल के नवाब किन्नल की देसाई और हैदराबाद के नवाब सालार जंग, जो स्वयं काष्ट शिल्प कला के प्रशंसक थे, उन्होंने सहायता प्रदान की। इस कला व सहायता का संयोग हिंदू और इस्लामिक कला का एक ऐसा मिश्रण बना जो किन्नल शिल्प कला का वैशिष्ट बन गया। चित्रकार, जिसका अर्थ रेखांकन या चित्रांकन करने वाले हैं, ये ब्राह्मणों की एक उपजाति है, क्योंकि इनका कार्य देवी देवताओं की पवित्र मूर्तियों का निर्माण करना होता है। किन्नल शिल्पकला बहुत ही बारीक व समयाव शोषण करने वाली कला है। चित्रकार इतने अनुभवी होते हैं कि प्रायः उन्हें पूर्ण रूपेण एक शिल्प का ढांचा बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जो उत्पाद बनते हैं वे लकड़ी के एक टुकड़े से निर्मित नहीं होते, अपितु शिल्प के विभिन्न अंग अलग अलग बनाकर एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। किन्नल शिल्प का उत्पाद एक विशिष्ट प्रकार के काष्ठ से बनता है, जो हल्का व निम्न कोटि का काष्ठ होता है। इससे लकड़ी की न्यूनतम बर्बादी होती है। यह टुकड़े आरी छेनी व फाइल से काटे व तराशे जाते हैं। एक बार जब ये विविध अंग तैयार हो जाते हैं तो वह कील, पिन और गोंद द्वारा चिपकाए दिए जाते हैं। इमली के बीजों का चूरन लकड़ी के बुरादे और लोह बुरादों को मिलाकर पानी के साथ उबाला जाता है। इससे बने लेप को किट्टा कहते हैं। गोंद के सूखने के बाद इमली का ये लेप जोड़ों व उन हिस्सों पर लगाया जाता है जहां आकार देने की आवश्यकता होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें उत्तम आकार प्रदान करने के लिए कई बार बदलाव करने पड़ते हैं। इमली का लेप लकड़ी को दीमक व कीड़ों से बचाता है, फलस्वरूप उसके जीवन काल को भी बढ़ाता है। अगला चरण कपड़े की परत का होता है, जो साधारणतया पुरानी साड़ियों से बनता है। इसका प्रयोग दरारी से बचाव के लिए होता है, जो कालांतर में इमली का लेप सुखाने के कारण हो सकता है। इन कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में फैलाकर व खींचकर लगाया जाता है, जिससे किसी प्रकार की झुर्रियां ना पड़े। इसके कारण रंगों की अगली परतें भी अच्छी बनती हैं। रंगों के लिए सतह की तैयारी ये सफेद चूने से दो परतों में की जाती है। चूने के सूखने के बाद सतह को चिकना किया जाता है। अंततः टुकड़ों को वार्निश करके सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। आकृति को रंगने से पहले स्वर्ण जगहों को आर्थिक स्थिति अनुसार एल्यूमिनियम की पतली चादर से उभारा जाता है। बारीक कारीगरी के लिए कुचियां स्वयं कारीगरों द्वारा बांस, धागे और गिलहरी की पूंछ से बनाई जाती है। विविध रंगों स्वर्णिम, पीला, नीला, लाल व हरा का प्रयोग किया जाता है। काला व सफेद रंग बारीकियां, छायांकन और वैशिष्ट्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। आधुनिक रंगों की श्रृंखला एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों द्वारा बनाए कृत्रिम रंगों के कारण विशाल हो गई है। सामान्यतः मिलने वाली नकाशी व कारीगरी में फूलों की बेलों को किनारे और कोनों में सजावट के लिए बनाया जाता है। प्रभावली या शिल्पकृत सुडौल लकड़ियों पर कैरियां, गुलाब, कमल व कलियां बनाई जाती हैं। विभिन्न देवी देवताओं की आकृति भी
इन लकड़ियों पर बनाई जाती है। अपनी उत्कृष्ट शिल्पकला के सूचक के रूप में यह चित्रकार गुड़ियां, फल, सब्जियां, जानवर व चिड़ियों के खिलौने घर के सजावट हेतु बनाते हैं। इनका सामान अधिकतर किन्नर से 15 किलोमीटर दूर स्थित कोपल में विक्रेताओं से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए बाजार के चौराहे से बस या ऑटो रिक्शा लगातार मिलते हैं। रंग के सूख जाने पर रंगे हुए विविध टुकड़ों को आपस में जोड़कर उनकी मूर्ति बनाई जाती है, जो लकड़ी के सतह पर खड़ी होती है। मूर्ति को बनाने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। पूरा होते ही उन्हें विभूषित किया जाता है और पूजा बड़े उत्साह के साथ एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। गांव के लोगों का विश्वास है कि उत्सव के दौरान इन मूर्तियों में देवता का आह्वान होता है। मूर्तियों को फिर मंदिर में ले जाकर स्थापित किया जाता है। अशोक रे, मेरा नाम अशोक चित्रकार है। मैं लगभग 15 साल की उम्र से चित्रकारी कर रहा हूँ। मेरी बनाई मूर्तियाँ खिलौने पालकी चेन्नई, हैदराबाद और पुणे तक जाती हैं। यूँ तो किंडल के लिए साल भर ही डिमांड होती है, लेकिन वही दिक्कत है कि हमें ये ऑर्डर एजेंट के माध्यम से मिलते हैं और उसमें इतना मुनाफा नहीं होता। यूँ तो एक मूर्ति बनाने के लिए हमें 10 से 15 हज़ार का फ़ायदा होता है, लेकिन उसे बनाने में जो वक्त लगता है वो लगभग 1.5 से 2 महीने का होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इससे होने वाली आमदनी हमारे गुजारे के लिए काफ़ी नहीं है। वैसे तो सरकारें और एनजीओ भी मदद करती हैं, लेकिन उनके द्वारा की गई मदद काफ़ी नहीं होती। मेरी ऐसी इच्छा है कि किन्नल कला एक दिन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, जिस पर मैं गर्व कर सकूं। लेकिन इस कला में पैसे की कमी के कारण जो लोग इसे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यह कला 10 साल से ज़्यादा और जीवित रह पाएगी। आज लगभग 20 परिवार हैं जो शिल्प के अभ्यास से अपनी जीविका चला रहे हैं। कास्ट के शिल्प की अपेक्षा कर्धा और अन्य शिल्प मुख्य रूप से प्रचलित है गांव में। बदलते समय के साथ जहां लकड़ी की जगह प्लास्टिक ने ले लिया और इस कला के बदले उनको सही मूल्य न मिलने के कारण माता पिता इस पारंपरिक कला के क्षेत्र में अपने बच्चों को नहीं आने देना चाहते। इस कारणवश आज मजदूरों की भी कमी होती जा रही है, क्योंकि वो शहर की तरफ जीविका के लिए खींचे जा रहे हैं, जिसके दुष्ट परिणाम ये कला एक दिन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। इसे रोकने के लिए चित्रकार की जीवन शैली को बेहतर बनाना होगा, अन्यथा ऐसी अद्भुत भारतीय कला नष्ट हो जाएगी और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए मिलेगी।